ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग जो स्टेडियम में बैठे हैं वो ही उठाए। हैदराबाद माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो, माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आपकी आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? तेलंगाना में 12 से ज्यादा सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग जो स्टेडियम में बैठे हैं वो ही उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे, 12 सीटें से ज्यादा सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी प्रत्याशी बहन अरुणा जी, श्री बंडी संजय कुमार हमारे प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव, श्री के लक्ष्मण राज्यसभा के सांसद और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, श्री येटेला राजेंद्र कुमार जी, मलकागिरी से हमारे प्रत्याशी श्री धर्मपुरी जी, हमारे प्रत्याशी निजामाबाद से श्री बीवी पाटिल जी, जहीराबाद से प्रत्याशी श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, चेवल्ला से प्रत्याशी श्रीमती माधवी लता जी, हैदराबाद माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो, माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। डॉक्टर बूरा नरसैया गौर जी, पी भरत कुमार जी, सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, श्री गरिकापति मोहन राव जी, श्री प्री रामलू जी, श्री ए वेंकटेश्वर रेड्डी जी, मंच पर बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज समग्र तेलंगाना राष्ट्र से आए हुए मेरे बूथ के मालिक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार। मित्रों, मुझे लगा कि इतनी धूप में किशन जी ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, क्या होगा, मगर आज यहां आपकी संख्या, आपका उत्साह और आपका हौसला देखकर ये निश्चित है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं देश भर के हर राज्य से जाकर आया हूं, मैंने यही उत्साह, यही हौसला और यही मोदी की दीवानगी को देखा है। मैं जहां गया मोदी मोदी के नारों से स्वागत होता है। भाई और बहनों, पूरा देश तय कर बैठा है कि अगली बार 400 पार, अगली बार, अगली बार। मगर मैं आज तेलंगाना आया हूं तेलंगाना की जनता को दो हाथ जोड़कर विनंती करने के लिए और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए। 400 पार होने वाला है, उसमें तेलंगाना का 12 से ज्यादा कमल आना चाहिए।
12 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हो और तेलंगाना को 75 साल के बाद इन निजाम की परछाई से दूर करने का काम तेलंगाना की सरकार। आज मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, यहां चार पार्टियां मैदान में है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं। ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत कर दी। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं, हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित पार्टी है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी, आप देखे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, आगे भगवान जाने कौन गांधी। ये केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर केसीआर, केसीआर केटीआर, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी, सुभान अल्लाह। ये मजलिस भी परिवारवादी पार्टी है। ये तीनों पार्टियों का लक्ष्य राजनीति में अपने बेटे बेटों का कल्याण करना है, बेटों बेटियों का कल्याण करना है। आप मुझे बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं, वो तेलंगाना के किसान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के ओबीसी का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवा, किसान, महिला और ओबीसी दलित का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी।